Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 27, subject English, class 8. तो ये वर्कशीट हमें करनी है 25th October 2021 को. और आज की वर्कशीट में हम टेंस ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट. और आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट, परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीशन. जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तो उसको शो करने के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. और स्टूडेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, बच्चों का कंफ्यूजन पास्ट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट परफेक्ट में काफ़ी होता है. तो उनका आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट होता है और उसका प्रेजेंट में रिलेशन होता है, वो प्रेजेंट से लिंक होता है. तो उसमें हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जिसका लिंक नहीं होता है, जैसे आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, तो खाने का इफेक्ट होता है ना, हमें एनर्जी मिलती है, तो मैंने खाना खा लिया है. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है. ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट आइदर अकर्ड एट एन इनडेफिनेट टाइम इन द पास्ट. पास्ट में हुआ था, इनडेफिनेट टाइम में हुआ था. वी हैव टॉक्ड बिफोर और बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम. पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू रहा, उसका अफेक्ट रहा प्रेजेंट टाइम में. तो उसमें हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. देखिए, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ. तो अब भी जानता है ना, उसका अफेक्ट है. हैज इज़ यूज विद ही से ईट एंड सिंगुलर. और प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट हैज और हैव. हैज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ. मैंने आपको पहले भी टिप्स दी थी कि जिन हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस होता है उनको हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं. तो हैज में देखे एच ए एस, एस का मतलब सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे. हैव इज़ यूज विद आई यू वी दे एंड प्लूरल. और प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे हैव वर्ब की, हैव हेल्पिंग वर्ब. और स्टूडेंट परफेक्ट कोई भी टेंस हो, हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें, क्योंकि हम जैसे परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होगा, तभी तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो आगे देखिए, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है जो है में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. जैसे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस दे रखा है आई हैव लर्न्ड न्यू वर्ड्स, मैंने नए वर्ड्स सीखे हैं. तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ करेंगे, आई हैव नोट लर्न्ड न्यू वर्ड्स. और इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, हैव आई लर्न्ड न्यू वर्ड्स. सेकंड एग्जांपल देखिए, सी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा है. तो नेगेटिव में क्या होगा? हैज़ के बाद नोट आ जाएगा, सी हैज़ नोट रिटन ए लेटर. और इंटरोगेटिव में आएगा हैज सी रिटन ए लेटर. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई मूवी देखी है. और नेगेटिव में क्या आएगा? हैव के बाद नोट आएगा, वी हैव नोट वॉच्ड ए न्यू मूवी. एंड इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैव वी वॉच्ड ए न्यू मूवी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. अब नेगेटिव में क्या होगा? हैव के बाद नोट लगेगा, दे हैव नोट फिनिश्ड देयर वर्क. और इंटरोगेटिव में हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क. अब नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. देखो, पास्ट भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट भी पास्ट ही होता है. लेकिन जब दो एक्शन हो, पास्ट का भी पास्ट क्या होता है स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट होता है. पास्ट में दो एक्शन हुए, तो जो पहले हुआ उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वाले में पास्ट इंडेफिनेट. इफ टू एक्शंस हैपन्ड इन द पास्ट, इट इंडिकेट्स विच एक्शन हैपन्ड अर्लियर देन द अदर. कौन सा एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज़ यूज इन वन क्लोज एंड सिंपल पास्ट इन द अदर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड. देखो, फ्रेंड भी पास्ट में आया, एक्सरसाइज भी पास्ट में की, लेकिन फ्रेंड के आने से पहले मैं एक्सरसाइज कर चुका था. तो इसमें हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट. इसलिए पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है. आई हैड डन माई एक्सरसाइज, वो पहले काम हुआ फ्रेंड के आने से. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड. अब इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट. अब देखिए इसके भी एग्जांपल देखिए, अफर्मेटिव में देखिए आप, आई हैड लर्न्ड न्यू वर्ड्स. अब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नोट आ जाएगा, आई हैड नोट लर्न्ड न्यू वर्ड्स. और इंटरोगेटिव में हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैड आई लर्न्ड न्यू वर्ड्स. सेकेंड सेंटेंस देखिए, सी हैड रिटन ए लेटर,
उसने एक लेटर लिखा। नेगेटिव में क्या आएगा, हेड के बाद नोट आ जाएगा, सी हैड नोट रिटन ए लेटर। इंटरोगेटिव में हैड सी से पहले आ जाएगा, हैड सी रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैड वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने नई मूवी देख चुके थे, तो वी हैड नॉट वॉच्ड ए न्यू मूवी, और इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले आया, हैड वी वॉच्ड ए न्यू मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड फिनिश देयर वर्क, अब नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नोट आ जाएगा, दे हैड नॉट फिनिश देयर वर्क, और इंटरोगेटिव में हैड दे से पहले आ जाएगा, हैड दे फिनिश देयर वर्क। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बाई ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, सर्टेन फ्यूचर टाइम से पहले जो कम्प्लीट होगा काम, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे सी विल हैव रिवाइज द लेसन बाई टुमारो, वो कल तक लेसन को रिवाइज कर चुके होंगे। तो वी यूज सेल और विद आई एन वी, देखो जो फ्यूचर परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सेल हैव और विल हैव। अब सेल किसके साथ आता था, आई वी के साथ, तो इसी तरह से सेल हैव आएगा आई और वी के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव। वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, आई सेल हैव लर्न न्यू वर्ड्स, अब नेगेटिव में क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट वर्ड के बाद ही नोट आएगा, आई सेल नोट हैव लर्न न्यू वर्ड्स, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल हैव थी, तो सेल के बाद नोट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव में सिर्फ सेल ही आगे आएगा सब्जेक्ट से, सेल आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, सी विल हैव रिटन ए लेटर, तो नेगेटिव में क्या आएगा, विल के बाद नोट आएगा, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, और इंट्रोगेटिव में सिर्फ विल ही बाहर आएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा सब्जेक्ट के बाद, विल सी हैव रिटन ए लेटर। नेक्स्ट देखिए, वी सेल हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, नेगेटिव में सेल के बाद नोट आएगा, वी सेल नॉट हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, और इंटरोगेटिव में सेल सब्जेक्ट से पहले आएगा, सेल वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी। नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव फिनिश देयर वर्क, नेगेटिव में क्या होगा, विल के बाद नोट आएगा, दे विल नॉट हैव फिनिश देयर वर्क, और इंटरोगेटिव में विल दे से पहले आएगा, विल दे हैव फिनिश देयर वर्क। अब इन तीनों टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल आसान सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है और ब्रैकेट के अंदर वो टेंस दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। जैसे फर्स्ट है, ही ब्लैंक डू वर्ब है, हिज वर्क ऑनेस्टली, अब ब्रैकेट में क्या देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार हमें वर्ब फिल करनी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आ गया, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन, डन होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डन, ही हैज डन हिज वर्क ऑनेस्टली। सेकेंड देखिए, आई थॉट आई ब्लैंक मीट, इसमें वर्ब है हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो जैसे ही पास्ट परफेक्ट आया आपके दिमाग में आ गया कि हैड उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, आई हैड मैट, मीट की थर्ड फॉर्म होती मैट, सेकेंड भी मैट ही होती है, मीट मैट मैट, तो आपकी वर्ब की फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में तो आपको थर्ड फॉर्म आनी ही चाहिए, तभी तो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कर पाओगे आप। थर्ड देखिए, बाई नेक्स्ट समर दे ब्लैंक बिल्ड वर्ब है इसमें द ब्रिज, अब हमें इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट आते ही आपके दिमाग में आएगा कि विल हैव सेल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आई वी होगा तो सेल हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे के साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, दे हैव बिल्ट द ब्रिज। अब नेक्स्ट देखिए, यस फोर्थ वन देखिए, स्वाति ब्लैंक स्टडी एट होम फॉर 1 आवर, अब इसमें हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आया हेल्पिंग वर्ब आई आपकी हैज और हैव, सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव, तो यहाँ पे स्वाति सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, तो क्या आ जाएगा हैज, और स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है वाई का आई हो जाता है और ईडी लग जाता है स्टडीड, तो स्वाति हैज स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द रेन ब्लैंक स्टॉप बाय टुमारो, अब इसमें हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रेन के साथ क्या आएगा, आई वी के साथ सेल यूज करेंगे, बाकी के साथ विल हैव, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म होती है स्टॉप्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब सिक्स देखिए, द प्लेन ब्लैंक लीव बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, इसमें आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमने कर दिया हैड। और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो हमने लिखा यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, अब सेवन्थ देखिए, रमेश ब्लैंक नोट डू। अब इसमें हमें नेगेटिव बनाना है, हिज होमवर्क सो ही वाज सेट। अब नेगेटिव बनाना है, और किसका नेगेटिव बनाना है? पास्ट परफेक्ट का बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैड, और नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, हैड नोट, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है स्टूडेंट, अब एट देखिए, ब्लैंक दे ब्लैंक गो वर्ब है, आउट व्हेन यू कोल्ड। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, देखिए इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, ये देखिए हैड लगा दिया हमने, और गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो ये हो गया गोन, हैड दे गोन आउट व्हेन यू कोल्ड। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ, आई ब्लैंक प्रिपेयर वर्ब है, ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप। अब इसमें कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा? सेल हैव हो जाएगा, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। देखो बिल्कुल आसान, अगर आपको रूल्स याद हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का रूल याद है, तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कर सकते हो। टेंथ देखिए, ब्लैंक ही ब्लैंक फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock। इसमें भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव सेल हैव होती है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड पहले आएगा, ही है तो इसमें कर दिया हमने विल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की हो गई फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई ब्लैंक नोट बाय, इसमें नेगेटिव बनाना है हमें क्योंकि नोट दे रखा है, द बुक येट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जो हैव होती है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, अब हैव के बाद नोट आया क्योंकि इसमें नोट दे रखा था, नेगेटिव में बनाना था हमें, तो आई हैव नोट, बाय की थर्ड फॉर्म बोट होती है, बाय बोट बोट, तो इसमें हो गया बोट। अब 12th देखिए, ब्लैंक द गर्ल ब्लैंक टिल द इवनिंग। अब इसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो ये देखिए इसमें हैड ही है, हैड द गर्ल, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, तो हमने कर दिया प्लेड। 13th देखिए, ब्लैंक ही ब्लैंक मेक वर्ब है टी फॉर द गेस्ट। अब इसमें हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट हैज और हैव। अब हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के साथ सिंगुलर है, हम यूज करेंगे हैज, तो इसमें देखिए हैज लिख दिया, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेट। अब 14th देखिए, रिया ब्लैंक गिव वर्ब है मी ए ब्यूटीफुल बुके। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट? हैड होती है, तो इसमें हमने कर दिया रिया हैड, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, रिया हैड गिवन मी ए ब्यूटीफुल बुके। 15th देखिए, दे ब्लैंक, अब इसमें नोट है, नोट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये वर्ब हमारी वेट है, हियर फॉर लॉन्ग, इसमें हमें यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और सेल हैव, तो दे है तो इसमें आएगा विल हैव। अब नोट देखो, हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद नोट आएगा, तो क्या हो गया? विल नोट हैव वेटेड, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड होती है, तो हमने लिख दिया वेटेड, हियर फॉर लॉन्ग। तो ये थे स्टूडेंट आपके परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव होती है, आई वी के साथ सेल है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव, और उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट कोई भी हो, हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये थी आज की आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।